दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। अब तो भी रेट पूछ रहा है ना। एक से एक कलाकार भारत में, एक से एक कलाकार, ऐसे ऐसे जुगाड़ तैयार कर दिए, जो काम 5-7 घंटे में निपटे था उनने नहीं बैठ जा, बस वो चुटकी बजाओ और काम खत्म। समाज ही डाल डाल के तैयार होने लगे धीरे 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 धीरे, जो बिल्कुल कलाकारी अलग है, वह सब कुछ कलाकारी तो हो रहा भारत में। बाजे बाजे ने शुरू में वैसी ट्रोली बनाई थी, वह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी करी बनी है, किसी राज ने कलाकार ने तैयार कर दिया सामान फिर तैयार होगी। तो इस तरह के जुगाड़ है, देखो कंटिन्यू। अब जिस भाई ने शुरुआत की है, पहले तो आपको दिखा दूं कि ये जो चीजें हैं इस तरीके से तैयार की जाए ताकि किसान की जो समस्या है वो दूर हो सके। और किसान की समस्या कब दूर होगी? जब इनको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। अब हम फैसल भाई के पास चलेंगे जिन्होंने इस चीज़ को कैरना में स्थापित कर दिया है, और मुझे इस चीज़ की बेहद खुशी हो कि हमारे समाज के लोग, हमारे बीच के लोग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग इस तरह के काम करते हैं जो शायद कोई कर पाता हो। तो फैसल भाई के पास चलेंगे, अब फैसल भाई से बात करेंगे, ये इतने सामान मैन्युफैक्चरिंग कर रखे हैं, उनके पीछे उनको क्या लगता है और वो क्या। फैसल भाई, अच्छा जो इतना जुगाड़ तैयार कर दिया, क्या दिमाग भाई? कैराना में बिक लिया है, शामली में कह रहे हैं, कांधला में भी जाएंगे, गांव दर गांव जाएंगे, क्या फायदा होगा इससे? देखो चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और जहाँ तक बात है इसको यहाँ तक जुगाड़ लाने की और दिखाने की, ये हमने लोगों की ज़रूरत को समझा कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आज की डेट में मजदूर तबका बहुत कम है, लेबर मिलनी बड़ी मुश्किल है। तो इसको ज़रूरत को समझ के तब हमने इस काम को शुरू किया है, और आज के टाइम में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके दिमाग में आए भाई, कैराना के जो लोग हैं, शामली के, जो कांधला के नज़दीक के लोग हैं देहात के, उनकी जो गांव गुआंड के लोग हैं, उनकी समस्या दूर कर दी जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। मजदूर तो मिलता नहीं, शामली आना पड़ेगा तो मजदूर के नाम का भी। बिल्कुल जी, देखो मजदूर तो आज की डेट में ऑल इंडिया कहीं भी नहीं मिलता, मजदूर की दिक्कत तो हर जगह पे है। लेकिन क्या है कि आपका जो ये कृषि में जो काम कर रहे थे ना, पहले मजदूर मिलने बड़े मुश्किल थे, हर घर घर में आदमी थे काम करने वाले। आज की डेट में काम करने वाला आपको ना तो शहर में मिलेगा ना गांव में मिलेगा, ठीक है? और मिल भी जाएगा तो जिस हिसाब से उसने काम करना चाहिए, जिस हिसाब से वो पैसे लेगा, मजदूरी लेगा, उस तरह का काम नहीं कर पाते। या तो आप काम वहाँ बैठ के कराएंगे, नहीं तो फिर आप घर में रहेंगे, एक ही काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, ये जो मशीनें हैं इनको दिखा दो एक बार, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा। पहले इससे मिलवाओ, जो सामान बना रखा है यूके यंत्र है यू, ये तो सर मैं ट्रैक्टर ट्रॉली का हूँ, ऐसा है क्या है यू? देखो ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, ऐसे तो देखा जाए तो ट्रैक्टर ट्रॉली है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास इस तरह के 3 ट्रैक्टर खड़े हैं, और हमने तीनों को अलग अलग तरीके से खड़ा किया हुआ है। अच्छा, एक तो ये ट्रैक्टर में जो है हमने ट्रॉली जोड़ी हुई है आपकी, ठीक है जी? इसमें ट्रॉली जोड़ी हुई है, ट्रॉली आप अपने खेत के यूज करने के लिए, जिसके पास जोटा बुग्गी नहीं है तो उसको वो आप वो इसको यूज कर सकते हैं अपने खेत में बड़ी आसानी से। इसकी जो कैपेसिटी है 5 क्विंटल की है, 5 क्विंटल वजन रखे और कहीं भी आप आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो मतलब 5 क्विंटल अलग अलग ट्रैक्टर के नाम का है या ट्रॉली की कैपेसिटी है? नहीं नहीं, ये ट्रैक्टर जो है ट्रॉली में 5 क्विंटल वजन लेके जाएगा। और जो दूसरे ट्रैक्टर है इस अलग? नहीं, सबके ही सेम। अच्छा, सबका पूरा सेम है, सबका सेम ही है, खड़े सबका सेम है। ये जो ट्रैक्टर है भाई, ये 5 क्विंटल वजन लेके चल सकता है इस ट्रॉली में, ये ट्रॉली है। और बैठने का भी ट्रॉली पे है सामान, क्या वो कई जगह बड़ी दिक्कत आई इन चीज़ों को लेकर, तो इस तरह का ये जुगाड़ तैयार कर दिया है कि इसी पे 5 क्विंटल आप जोटे की कीमत कम से कम 70-72 हज़ार रुपये है। और ये कितने की है जी? अगर देखो इसको असल में ये क्या है कि किसान भाई हमारा कोई भी लेगा मशीन, तो पहले मशीन लेता है, आपने मशीन ले ली, अब मशीन के साथ में आपको रोटरी मिल गई है, उसके साथ में आपको कल्टीवेटर मिल गया, ठीक है जी, उसी के साथ में आप रिपर भी मिल जाएगा, ठीक है, उसके साथ में जब आपको लगा कि मेरे को सामान भी ढोना है तो फिर ट्रॉली भी ले लो साथ, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, तो ट्रॉली भी मिल जाएगी। तो कंप्लीट अगर आप पूरा सेट की बात करें, पूरा मतलब कि पूरी खेती करने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए खर्चे में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो 1 लाख रुपए में अगर जोटा खरीदते हो तो जोटा मिलना है ओनली, हाँ बुग्गी रह जाएगी, फिर बुग्गी रह जाएगी। इसमें आपको कृषि का छोटा मोटा जितना भी है, आपका हैरो का, ट्रेलर का, ट्रैक्टर का, जो भी है, सारी चीजें आपको 1 लाख रुपए में मिल जाएगी। नहीं जोटा इसका तो अगर खड़ा कर दिया तो खड़ा रहेगा, तो जोटा रोजी मतलब खावागा, कोई दिक्कत नहीं है, बतड़ा जाएगा चमसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रैक्टर ट्रोली ये पहिए है इसके अलग से? हाँ जी।
मतलब हमने अपने किसान भाइयों के लिए छोटी से छोटी चीजें सोच के तब जाके इसको शुरू किया है। छोटी छोटी चीजें जो उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी उनको दूर करने के लिए इस काम को हमने शुरू किया है। अच्छा ये दूसरा ये भी ट्रैक्टर है इसका? ये भी यही ट्रैक्टर है जो इधर खड़ा हुआ है वो। अच्छा, ये थोड़ा सा हैवी सा लग रहा है भाई। ये थोड़ा है, ये हैवी है, ये मॉडिफाई है। अच्छा ये मॉडिफाई, टायर भी छोटे छोटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या क्या चीजें हैं? देखिए ये ट्रेलर हो गए हमारे पास, ट्रैक्टर हो गए, ये भी यही है सर। ये थोड़ी अपर क्वालिटी में है, ये थोड़ी डाउन क्वालिटी में है। अच्छा एक होता है कि जिस तरह छोटी ट्रॉली चाहिए भाई, कि हमारे को बड़ी ट्रॉली ले जानी, घर खेत जाना ट्रैक्टर लेके, तो उसमें क्या है कि आप ये वाली ट्रॉली जोड़ो, आपने कोई कट्टा कुट्टा रखना, हमारे किसान भाई जो है कट्टा कुट्टा रखो और ले जाके पहुँच जाओ। ये हो गया उस काम के लिए। बाकी इसके साथ में फिर ये आ गई रीपर, ये वाला रीपर आ गया, ये भी अटैचमेंट इसी में लगेगी। आपको ये भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको इसी में अटैच करना, ये लाओ और अटैच कर लो इसके ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद डोर बनाने के लिए दो आदमी की आवश्यकता होती थी पहले, अब ये सिर्फ एक ही आदमी से काम हो जाएगा। ट्रैक्टर लो, उसके पीछे लगाओ और साथ में आप जो है डोर बनाते हुए साथ साथ निकल जाओ, ठीक है जी। ये हो गया आपका कल्टीवेटर। और ये किस चीज़ के लिए है जी? सर ये होता है जैसे हमारा एक तो सब्जी के जो खेत होते हैं छोटे छोटे, ये उसमें काम आता है, मिर्चों में और आपकी गोभी वगैरह जो खेती होती है। और आजकल तो हमारे जो किसान भाई ईख बो रहे हैं ना, तो ईख के खुड़ के बीच में जो 18-20 इंच का जो स्पेस होता है, ये उसके लिए बहुत अच्छा काम होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है उसमें, जिसमें आप 10 आदमियों की बराबर एक मशीन काम करेगी। इसका खर्चा कितना आ जाएगा लगभग? जैसे 10 आदमी का लगभग मान के चलो आपके पूरे दिन का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर का है, 300 रुपये का एक आदमी, 300 रुपये खर्चे के साथ जो है 10 आदमियों के बराबर काम करेगा इस मशीन से। तो ईक में काम करेगी ये खाली? ये नहीं, ये ईक में भी करेगी आपकी, मल्टीपल यूज है ये। आप इसको ईक में ले जाओ, इसको मिर्चों के खेत में लगाओ, सब्जी में, किसी में भी, आपकी गोभी की खेती है, तो ये सबसे बेहतरीन है, सबसे छोटी और सबसे बेहतरीन मशीन है ये। फोर स्ट्रोक में है, अगर किसी को इसमें 2 स्ट्रोक चाहिए और इससे सस्ती चाहिए तो हमारे पास ये वाला मॉडल भी है। अच्छा हाँ, ये भी यही जुगाड़ है इसका भी यही है। इसका भी इतना ही खर्चा लगभग? इसका भी नहीं, तो इसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, ये तेल को एकदम ज़्यादा करती है। इसका खर्चा करीबन दिन का 5 लीटर आएगा ही आएगा। अच्छा इसका 5 लीटर का खर्चा आ जाएगा तो। ये जी जी। अच्छा ये जो इतने चीज रखी है जैसे बर्मा है, ये किस चीज के लिए है? ये सर आजकल आपको पता है ना, एक सीजन भी चला हुआ है पेड़ लगाने, जो पॉपुलर वगैरह लगा रहे हैं, तो ये उसके लिए काम आता है, ठीक है। एक क्वालिटी हमारे पास ये वाली है और एक ये वाली है, और इसके अलावा एक और भी है, अगर किसी ने 17-18 इंच का गड्ढा करना है तो उसके लिए हमारे मशीन ये वाली है। अच्छा अच्छा, ये मतलब पेड़ के लिए है? ये पेड़ के लिए, अगर किसी ने बड़ा पेड़ लगाना है। अच्छा बड़ा, तो ये पेड़ मशीन उसके लिए है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसका बर्मा बदल ले, छोटा बर्मा लगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें छोटा बड़ा जो मर्जी लगाओ। अच्छा बर्मा चेंज हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये चीजें इतनी सारी? ये सारी रूटरी है सर, ये इसकी रूटरी है जो टीलर हमारे है, ये सबकी उनकी। अच्छा रूटर है इनके? बाकी ये हमारे किसान भाइयों के लिए स्प्रे है, जो स्प्रे यूज करते हैं। अच्छा तो ये तेल पे है सारी? ये सारी तेल वाली है जी, वो बैटरी वाली, बैटरी वाली है जी, ठीक है। तो प्राइस कुछ अलग है क्या जो आप लेके आए? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो पहली बात तो ये कि प्राइस तो हमने ऐसे कर दिए कि ऑल इंडिया, हमारे से तो ऑल इंडिया कंपेयर करो तो हमारे पास आ जाओ। ऑल इंडिया? ऑल इंडिया इतना बड़ा चैलेंज सर, मैं कह रहा हूँ हमारी पूरे इंडिया से, मैं पूरे इंडिया की गारंटी लेता हूँ रेट में। असल में क्या है सर कि अब ये तो है नहीं कि भाई हम 2 दिन से काम कर रहे हैं, हमारे को इस लाइन में करीबन 8 साल हो गई है। चलो किराने में तो अभी से शुरू हुआ है, कोई यहाँ तो अभी जान पहचान नहीं हुई इतनी, और अपना घर है, अपना एरिया है, हमने सोचा था कि भाई अपने घर के अंदर ही हम ये काम करेंगे जाके, अपनी जरूरत को समझ के लोगों की, तब हमने इसको शुरू किया है। एक्चुअल में शिमला में हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं इस लाइन में, करीबन 8 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे हमने एक छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया है, छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी हैं हमने एक बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है, तब जाके आज जब सोचा है कि भाई इसमें जो है जितना हो सके हम अपने लोगों को इसका फ़ायदा दें, तो सर ये कमाई वाला सौदा नहीं है, ये फिर सिर्फ अपने लोगों तक का फ़ायदा पहुँचाना है। अच्छा इसकी जैसा ये है, कितना इसका कितने लीटर की है टंकी? ये 25 लीटर है जी। 25 लीटर और 25 लीटर का, ये सारे 25 लीटर के टैंक है, और उसमें वो जो बैटरी वाली है, बैटरी वाली है वो 20 लीटर का टैंक है उसका। अच्छा वो 20 लीटर का टैंक है उसका। तो ये कितना तेल खा ले लगभग? अच्छा अगर इसकी हम तेल की बात करें तो इसको मान के चलना आपने कि ये एक पूरे दिन अगर आप 7 घंटे चलाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लीटर तेल खाएगा, इससे ज़्यादा तेल ही नहीं खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लीटर। अच्छा अच्छा, सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। और जो ये वाला है
ये मान के चलो आपके 3 लीटर खाएगा, ये वाला भी 3 लीटर का तेल ले जाएगा पूरे दिन में, है 25-25 की, है 25-25 वो फिर कुछ क्या इंजन का फर्क है। अच्छा इंजन का फर्क है, इंजन का फर्क है। ये क्या है, ये ब्रश कटर है, ये अपने किसान भाई जो आजकल गेहूं वगैरह काटते हैं, धान काटते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छी मशीन है, जो आदमी अकेला काम करना चाहे दिन में 5 से 7 बीघे आराम से निकाल लेता है छोटी सी मशीन से। एक साइकिल की कीमत के बराबर की मशीन है ये, बस ओनली साइकिल की कीमत के बराबर की मशीन है, और दिन में एक आदमी सिंगल आदमी और 300 रुपए के खर्चे में कम से कम 5 बीघा गेहूं आराम से काटेगा इससे। अच्छा तो भाई साहब जैसा है जो इनकी सर्विस है वो कहाँ जाना पड़ेगा उनको, अगर कई बार क्या हो प्रोडक्ट बेच जा आदमी अपनी दुकान लगा कर फिर जा आदमी ले उसे। एक्चुअल जो रीज़न है वो यही है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मशीनें बेच रहे हैं, ठीक है नहीं है, आप मशीनें खरीद लेंगे और उसके बाद बोल देंगे आपको फ़ोन करके कि भाई ऐसा है हम आपको पार्ट भेज रहे हैं किसी मोटरसाइकिल वाले के पास या गाड़ी वाले के पास, जाओ और रिपेयर करवा लो खुद डलवा लो। लेकिन हमारा ऐसा कहना नहीं है, अगर हमारे से आप कोई भी मशीन खरीदते हैं तो मशीन ले जाओ, और उसके बाद पहली तो बात है कि 1 साल की गारंटी हमारी चलती है। कल को अगर कोई छोटा सा फॉल्ट है तो कोशिश तो करेंगे कि हम आपके घर के अंदर ठीक हो जाए, अगर ऐसा भी नहीं होता तो आप यहाँ पे किराना के अंदर जो हमने वर्कशॉप खुलवाई है अभी यहाँ पे लेके आओ, आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किल का समाधान होगा। अच्छा क्या जगह है ये? ये सर केराना में कैनरा बैंक के बिल्कुल बराबर में है, भारत मशीनरी स्टोर के नाम से है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ये देख सकते हैं भाई इस पे नंबर लिखे हुए हैं, बाकी हम नंबर नीचे मेंशन कर देंगे एक पट्टी बना करके, और ये देख सकते हैं आप पता निकट केनरा बैंक पानीपत रोड शामली भारत मशीनरी स्टोर। तो और भी और क्या क्या चीज़ें हैं अंदर तक रखी है आपने, बहुत सारी चीज़ आप दिखा देते हैं आपको छोटी छोटी। ये देखो भाई मतलब शामली में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी सारी मशीनें अलग अलग तरह की, बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट जो है यहाँ लाए गए हैं। ये क्या है जी? ये सर ये पेड़ काटने की मशीन होती है। अच्छा पेड़ काटने की, कितना भी मोटा पेड़ हो सब काट, सब काटेगी इसकी 22 इंची का बार होता है, आपको 3 फुट 4 फुट 2 फुट मोटा जितना भी पेड़ होगा वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3-4 तरह की क्वालिटी है, ये होगी ये होगी दो तीन की तरह की क्वालिटी है, और ये सारी इनकी चैन है सारी, देखो इतनी क्वांटिटी में आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे कहीं चैन, ये सारी चैन ही है सर जितनी आप देख रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, अंदर तक देख लो भाई चारों तरफ जो है बरखा सामान तकड़े डाल। अच्छा और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, कई बार हमारे भाई किसान भाई बोल रहे हैं कि भाई पार्ट ऐसे ही बोल दिया है नहीं है, होता है कि भाई नहीं है पार्ट, तो मैं आपको वो भी दिखा दूं कि हमारे पास पार्ट है या नहीं है। पहले तो ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप ये पार्ट का ही है सारा। अच्छा अच्छा, इधर सारा जो है सब पार्ट ही है। उसके बाद सर इधर आ जाओ आप, ये जो देख रहे हैं ना आप सर ये सब पार्ट है एक तरफा, लेकर डॉलर का सामान है, मतलब जो है क्वांटिटी में मिलेगा आपको जो भी चीज। अगर किसी हमारे भाई को कोई रिपेयरिंग का काम अगर करता है, किसी को अगर सामान चाहिए कि भाई हमारे को रिपेयर करने के लिए चाहिए पार्ट, तो हम उसके लिए भी देंगे जितना हो सके उतना, हम लोगों की हेल्प भी करेंगे और हमारे मिस्त्री अगर कोई काम करना चाहे तो उसकी भी हेल्प पूरी तरह से करेंगे। ये देख लो भाई पहली बार ऐसा हो रहा कैराना में कि इस तरह के, वैसे तो बड़े चीज़ों को लेकर फेमस है कैराना, लेकिन अब एक चीज़ को लेकर और फेमस हो गया है कैराना, इसके ऑयल जो है तेल कौन कौन से डलेंगे सब रखे गए हैं। तो सर मशीनरी में जो मशीनरी हम दे रहे हैं स्टार्ट करके यहाँ पे उनके लिए ये तेल है सर, उनके जो पाइप है सब, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो क्वांटिटी में ना हो, हर चीज़ है बिल्कुल। अगर बात दिखाने की करें तो दिखाने के लिए बहुत कुछ ऐसा है कि जो दिखाना, लेकिन अगर दिखाऊंगा तो कल तक नहीं दिखा पाऊंगा सारा, दिखाने के लिए इतना कुछ है। अब तो यही है कि मोटा मोटा जो भी मेजर कोई भी अगर चीज है वो सारी मैक्सिमम मिल ही जाएगी, 98% पार्ट हो या कोई मशीनरी हो, हम किसी के लिए मशीनरी के लिए तो किसी ना करते ही नहीं है कि मशीनरी मिलेगी नहीं। अगर बाई चांस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे को फोटो दिखाओ, नाम बताओ कौन सी चाहिए किस कंपनी की चाहिए, तो आपको वो अगले दिन प्रोवाइड कर देंगे। जी 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 जी, तो भाई जो भाई इन चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं आप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, आकर कैराना में जो जगह बताई गई है कैनरा बैंक के पास, यहाँ आकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ये देख सकते हैं आप, जिससे जो लोहा लेंटर टैंक पत्थर बहुत सारी चीज़ें हैं जो काटी जाती हैं, और आपने देखा होगा मतलब इतनी ज़्यादा लूट है ना बाजार में, और यहाँ मैंने जब प्राइस देखे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जैसे फ्री में ही हो,
और सबसे ज्यादा लूट जो है कपड़ों में जूतों में होती है, लेकिन हमें उसका परख नहीं है। लेकिन ये चीज ऐसी है जिनको हम काम में ला सकते हैं, तो एक बार आप भाई साहब से संपर्क जरूर करें। और मेरा मकसद यही रहता है कि हम आप तक सही जानकारियाँ भेजें ताकि हमारे जो किसान मजदूर भाई हैं उनको मुनाफा हो सके। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और जुड़े रहें गांव गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।